हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल नमो कार गेमिंग वर्ल्ड। गाइस, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट नूनी जैन आज एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। यार, पैसे कमाने के तरीके जो हैं बहुत सारे आपको पता होंगे, अलग अलग सोर्सेज पता होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ आपको जिसमें आप एंजॉय करेंगे पहले खूब, और उसके बाद में पैसे अर्न करने का सोर्स भी आपका बन जाएगा। मतलब एंजॉय करने से, कभी ऐसा सुना है मूवी देखने से आपको पैसे कमाने का एक तरीका मिल जाए? कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा। बट अभी एक रीसेंट तरीका जो है कुछ गेमर्स ने इजाद किया है, उसमें यार आप गेम्स भी खेलेंगे और पैसे भी कमाएंगे। मतलब गेम उस तरह का गेम नहीं होगा कि मतलब कुछ आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, उनके बारे में ढूंढना पड़े, पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों के सबसे फेवरेट गेम जो कि इस समाज के लिए घातक बन चुकी है, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहती है कि डेली यार कुछ ना कोई कोई मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, किसी के गर्दन में प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया है। मैं पबजी की बात कर रही हूँ गाइस, जो कि यूथ में बहुत ही फेमस गेम है। उसके रिगार्डिंग मिथ भी क्रिएट हो रहे हैं। मिथ तो क्या, रियलिटी भी है। गुजरात के कुछ पार्ट्स में बैन हो गई है यार, उसने यूथ को पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया है। टीचर्स परेशान हैं, मदर्स परेशान हैं, और मतलब पेरेंट्स एक तरह से, माँ ज़्यादा बच्चे के लिए कंसर्न होती है, तो सभी पूरी सोसाइटी में तहलका मचाने वाली गेम पबजी जो है, उससे पैसे कमाने का तरीका कैसे आया है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन यार, उससे पहले पर्सनल सलाह ये है मेरी कि पबजी कम से कम खेलें, क्योंकि ये एक एडिक्शन के तौर पर है। अगर आपने खेली है तो इससे अर्न करके फिर इसको, इसका मतलब एक तरह से दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। पबजी का अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तरीका बताती हूँ किस तरह से आप पबजी से अर्न करके फिर उसके बाद इसे निजात पा सकते हैं। गाइस, आजकल कंपनीज ऐसे गेम्स बना रही हैं जिनसे कि बच्चों जो एक एडिक्शन के तौर पर हैं, बच्चे उनसे एक बार अटैच हो जाते हैं तो अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। पबजी, फोर्टनाइट, एपेक्स लेजेंड, इस तरह की गेम्स हैं जो कि डेवलपर्स फ्री में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। या फ्री की गेम जो है, फ्री की चीज़ों का चस्का जल्दी लगता है, आप भी समझते हैं। अभी गेमर्स ने भी तरीका इजाद किया है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं यार, किसी आईडी से अपनी आईडी क्रिएट की, गेम खेली और बहुत अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा उस गेम को खेलकर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और किसी नूब बंदे को उस अकाउंट को सेल कर दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, एक पर्सन ने मान लीजिए दो आईडीज क्रिएट की, उन दोनों आईडी से पबजी वो खेलता है, लगभग एक एक घंटा एक प्लेयर जो है रोज़ उसी उन दोनों अकाउंट से खेलता है गेम, और उसने उनके हायर लेवल्स अचीव कर लिए। अब वो क्या करेगा, एक टाइम पर जब हायर लेवल गेम बन गई है, किसी नूब पर्सन को उस अकाउंट को सेल कर देगा। इस अकाउंट को सेल करने से उसे लगभग 3,000 भी मिल सकते हैं, 3,000 से 8,000 तक के पैसे वो कमा सकता है। सोचिए, मतलब डिपेंड करता है कि ख़रीदने वाला जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो वो उस अकाउंट को इसलिए ख़रीद लेता है क्योंकि उसको हायर लेवल मेंटेन्ड अकाउंट मिल जाता है। वो जब नए प्लेयर्स के साथ भी खेलेगा तो जल्दी जल्दी किल्स करके उसमें चिकन डिनर उस लेता रहेगा। आप जानते होंगे पबजी में एंड में जीतने वाले को चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर कहते हैं। तो यार, चिकन डिनर उसे मिलता रहेगा, वो अच्छी तरह से खेल पाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा गेम खेलने में, उसकी कैपेबिलिटी एनहेंस हो जाएगी, मतलब उसे अच्छी तरह से गेम खेलनी आ जाएगी। और जो इंसान दो दो अकाउंट से खेलता था, उसके ये बेनिफिट है यार, दो अकाउंट से खेलकर वो करेगा भी क्या, एक से खेलकर उसने लेवल अचीव कर लिया अच्छा सा, उसको बेचकर पैसे कमा लिए। अब उसके पास एक अकाउंट तो बचा ही, तब से वो एक और नई आईडी क्रिएट करके नेक्स्ट अकाउंट भी बनाना शुरू कर देगा और अपने पुराना वाला जो हायर लेवल वाला अकाउंट है उससे भी खेल के उसका और अपर लेवल अचीव कर लेगा। इतने में जो नया अकाउंट क्रिएट किया उसका भी थोड़ा सा अच्छा लेवल जब तक पहुंचेगा, तब तक वो अपना पुराना ये वाला अकाउंट भी बेच सकता है जो सेकंड नंबर का अकाउंट था। तो यानी फिर उसने कुछ टाइम में इससे पैसे कमा लिए। तो गाइज, इस तरह से लोग पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बता रही कि आप कि कमा सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं अकाउंट सेल एंड परचेज करने से रिलेटेड कोई पोस्ट मिले व्हाट्सएप वगैरह पर, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है यार, ऐसा हो रहा है। गेम डेवलपर कंपनी हैशटैग के फाउंडर किंशुक सुनील बताते हैं कि जब एक पर्सन एक गेम खेलता है तो वो उससे इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि वो चाहता है कि पैसे देकर भी उसे एक अपडेटेड और मेंटेन्ड अकाउंट मिल जाए तो वो उसमें परहेज नहीं करता। तो बेचने वाले को ये फ़ायदा हो जाता है कि यार उसके हाथ में कला है, वो तो फिर से अपना एक और अकाउंट क्रिएट करके और फिर से एक अपर लेवल अचीव कर सकता है। ख़रीदने वाला जो है किसी भी तरह से एक अपडेटेड अकाउंट खरीदने की चाह जो है वो पूरी कर लेता है, इससे उसके मन में नेगेटिविटी नहीं आती। जैसे कि मैं ही मान लो, मैंने ही पबजी खेलना स्टार्ट किया था तो मैं ही देखती थी जब हम अपने नॉन पर्सन का रूम बनाकर खेलते हैं,
तब मेरे से एक भी किल नहीं हो पाता था और मैं जल्दी से मर जाती थी, मतलब लास्ट के ही टाइम में मर जाती थी। और जब मैं अपनी गेम के अकॉर्डिंग लगाती हूँ, रैंडम सेलेक्शन होता है, तो उस टाइम पर मैं थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव कर पाती हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, आप भी समझते हैं कि अगर छोटे लेवल, हमारा लेवल जो है गेम का बहुत डाउनग्रेड है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे साथ कंपनी जो है ऑटोमेटिक खेलने के टाइम पर उसी टाइप के पर्सन जो है देती है हमें खेलने के लिए, प्रोवाइड करती है। 100 पीपल जो है इसी टाइप के होते हैं। और अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रूम क्रिएट करके खेलती हूँ, तो उनकी बड़ी बड़ी आफिस होती हैं, बड़े बड़े लेवल्स होते हैं उनके। बड़े लेवल्स के साथ खेलने में मुझे ये दिक्कत होती है कि वो तो मेरे बहुत सारे मतलब बार बुलेट्स यूज़ करने से, बहुत सारे बार गन चलाने से भी नहीं मरते, बहुत देर बाद में मरते हैं, क्योंकि वो उनका अपडेट हो जाता है, काफ़ी लेवल हाई है, तो मरने में उन्हें दिक्कत होती है। मतलब मरने में उन्हें दिक्कत क्या होती है, वो मरते नहीं है यार। और मेरा लेवल बहुत डाउन होता है, तो वो मुझे मारते हैं, एक बार में ही किल मिल जाता है उन लोगों को। तो यार जिस इंसान को खेलने की लत लग जाए, वो तो पैसे देकर भी ऐसे अकाउंट्स को खरीद लेता है। सोच कर देखिए पैसे कमाने का कितना आसान तरीका है। वर्चुअल मॉल्स में भी इसकी शॉपिंग हो रही है, और अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी गेम इस तरह से अकाउंट सेल एंड परचेज का सिस्टम चल रहा है। अगर आपने भी लगता है कि पबजी से निजात पाना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया और आपको अब समझ में आ गया है कि यार पबजी एक एडिक्शन है, तो आप अपना अकाउंट सेल कीजिए और काम खत्म, अपने आप का पीछा छुड़ाइए पबजी जैसी गेम से, क्योंकि बहुत खतरनाक है, इसने बहुतों की जान ली है, ये है खूनी बन गई है। सोच कर देखिए इसने जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। गेम अच्छी है, मज़ा आता है खेलने में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक एडिक्शन है, एडिक्शन से बचकर रखिए। एडिक्शन जितनी भी होती हैं वो बेकार ही होती हैं यार, चाहे आप ड्रग्स के कंसर्न ले लीजिए या अदर किसी चीज़ की एडिक्शन हो, वो एडिक्शन हमेशा बेकार ही होती है। फ़ोन्स की एडिक्शन भी एक समय पर लोगों को बहुत स्पॉइल कर रही थी, तो धीरे धीरे यार उनसे पीछे छुड़ाने का सोर्स अब ढूंढ रहे हैं लोग। बचिए इस गेम से, इसके लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये बैन भी होने वाली है। बैन हो जाए तो मुझे लगता है अच्छी बात होगी। यार मुझे कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा मत बोलना, कमेंट करके आप बता सकते हो वैसे मेरी राय आपको सही लगी या नहीं लगी। थोड़ी देर खेलिए कोई भी गेम, उसका एक टाइम लिमिट सेट कीजिए, इतने से इतनी देर तक खेलना, लगातार उसमें चिपके मत रहिए, नुकसान होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।